2x plus 3y equal to 2, x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. Okay, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या देंगे हम लोग, 2x plus 3y is equal to 2, आपका इक्वेशन नंबर क्या है 1. Okay, x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2, इक्वेशन नंबर क्या है आपका 2. नीचे 2 रहना चाहिए क्या? नहीं. तो नीचे के 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब उसको निकालना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग, वेरी गुड. मल्टीप्लाइंग जो नंबर रहेगा ना नीचे, वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वेशन को. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय नीचे का नंबर क्या है, वी गेट. अगर 3 रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. तो अपन यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. क्या बोला हम लोग, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. किससे करेंगे, तो 2 इंटू लिख देते हैं, 2 इंटू लिख देते हैं और 2 इंटू यहाँ पे भी लिख देते हैं. और राइट, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया. तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x माइनस वाई, वाई के पहले कुछ नहीं तो क्या है, 1 है. यस और नो? ये आपका न्यू इक्वेशन बन गया है जिसका नंबर है इक्वेशन नंबर 3. इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का? मूव ऑन करते हैं. ये इक्वेशन तो कोई काम का नहीं रह गया, तो ऐसा रॉन्ग डालना मत, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूँ. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंसिडर करते हैं. ओके, कंसिडरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, वी गेट. ओके, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 2, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 2. वाई के जगह यहाँ पे क्या लिखा है, 3, और इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, 1. बट 1 के पहले साइन क्या है, तो माइनस डालना जरूरी है. इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बोला है, 2, और इधर क्या बोला है, 1. समझ में आ गया? ये साइन गलती से आ गई यहाँ पर. ये क्लियर हो गया आपको? अभी पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डी निकालेंगे. क्या निकालेंगे? डी क्या होता है आपका, डिटर्मिनेंट. डी क्या होता है, डिटर्मिनेंट. ऑल राइट, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2, 3 माइनस 1. अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू किससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1. फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ये किससे मल्टीप्लाई आएगा, 2 इंटू 3. डी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2, और ये माइनस माइनस 2 3 से कितना आएगा, डी इज इक्वल टू -2 -6 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8. बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस. इतना क्लियर हो गया आपको? अभी यहाँ पर डी मिला आपको. अभी हम लोग को ढूंढना है डी एक्स. क्या ढूंढना है? फिर आपको ढूंढना है डी वाई. डी एक्स के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर इन लोगों ने कैसा किया है, हम लोग देखते हैं. यहाँ पर उन्होंने 5, 2 और 3, 4 लेके डी ढूंढ लिया. डी एक्स ढूंढने के लिए उन्होंने इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर को पहला लिखा है, और एक्स वाले नंबर को नहीं लिख के वाई वाले नंबर को लिखा है. तो हम लोग ये सब में भी ऐसा ही करेंगे. यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर क्या है, 2 अपॉन 1. तो अपन यहाँ पे 2 और 1 लिख देते हैं. ऑल राइट, और एक्स के नंबर को छुपा देते, तो वाई वाले नंबर कौन से, अपने 3 अपॉन -1, वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया. समझ में आ गया? तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -1, यहाँ पे माइनस डाल दिए बाय डिफॉल्ट, 1 इंटू 3. तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -1 क्या आएगा, -2. 3 इंटू 1 क्या होगा, 3. तो डी एक्स इज इक्वल टू -2 -3 कितना आएगा, -5. समझ में आ गया? वैसे ही डी वाई ढूंढते हैं. डी वाई इज इक्वल टू, अभी
यहाँ पे अपने टू और वन को पहला लिखे ना, अभी इसको दूसरा लिखेंगे. ऑल राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. पहले लेफ्ट में लिखेंगे, फिर किधर लिखेंगे, राइट में. अभी ये टाइम पे हमने एक्स के नंबर को छुपाए थे, अभी किसको छुपाएंगे, वाई के नंबर को. तो एक्स के नंबर क्या है, टू कॉमा टू और टू. तो डी वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, टू इंटू वन माइनस टू इंटू टू. डी वाई इज इक्वल टू टू वन सा कितना आएगा, टू टू सा कितना होगा, डी वाई इज इक्वल टू टू माइनस फोर माइनस टू. इतना क्लियर हो गया आपको. अभी क्रैमर्स रूल लगाने के, क्या लिखा है, क्या लगाना है, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल वी डी एक्स एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, डी वाई अपॉन डी. एक्स इज इक्वल टू डी एक्स कितना है अपना, देखो यहाँ पर डी एक्स क्या मिला अपने को और डी क्या मिला अपने को, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो एक्स क्या मिलेगा अपने को, फाइव अपॉन एट. और वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी माइनस टू अपॉन माइनस एट. माइनस माइनस कर दिया, वाई क्या मिलेगा आपको, टू वन जा टू फोर जा. इतना क्लियर हो गया एक्स और वाई का वैल्यू क्या मिला आपको.